अरे मोबाइल ले रखा है, पीछे करो ना आगे। भाई जरा भाई चुप रहो प्लीज, भगवान सब रहेगा। सर क्या फार्मूला तय हुआ है? ये तो हाई कमान को पता है, जो आपने जो देखा आपने। सर जाहिर सी बात है, तीन लोगों की कमेटी बनी है, तो कोई उनकी ग्रीवेंशन होगी तो वो उनको बता देंगे। सर मास्टर अंकल भवलाल शर्मा जी ने भी आपसे मुलाकात करी, उन्होंने भी कई मुद्दे रखे, जैसे विकास के मुद्दों की उन्होंने बात करी, कई सारे मुद्दे, तो अब सारी चीजें अब सॉर्ट आउट हो गई। देखिए अब जो कल फैसले हुए हैं और उसके बाद में तो वो उनको बता देंगे। सर कल मास्टर अंकल भवलाल शर्मा जी ने भी आपसे मुलाकात करी, उन्होंने भी कई मुद्दे रखे, जैसे विकास के मुद्दों की उन्होंने बात करी, कई सारे मुद्दे, तो अब सारी चीजें अब सॉर्ट आउट हो गई। देखिए अब जो कल फैसले हुए हैं और उसके बाद में अब आगे की रणनीति अब बनेगी। एक आदमी पूरा जोर लगा लिया बीजेपी के नेताओं ने, देखिए वो तो वो एक इतिहास बन गया है। दीपक जी, वो 100 से अधिक लोगों को इतने लंबे समय तक एक साथ है ना, और एक आदमी टूट के नहीं गया, एक आदमी। पूरा जोर लगा लिया बीजेपी के नेताओं ने, पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना है। उस माहौल के अंदर अगर हमारे MLAs एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी, आप कल्पना कीजिए उसके बारे में हमारे दिल में क्या स्थिति होगी, आप जान सकते हो। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया, और जब तक मैं रहूँगा जिंदा तब तक आपके अभिभावक के रूप में रहूँगा, ये मैंने उनको कहा है। और मेरा फर्ज बनता है कि एक आदमी लोभ लालच हॉस्टेडिंग क्या नहीं हो रहा था, डराने के धमकाने के काम हो रहे थे, एक आदमी छोड़ के नहीं जाए और इतने लंबे समय तक होटलों में रहना पड़े जिनको, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। तो उनके लिए हमारे दिल में जो भाव है वो जानते हैं, मैं जानता हूँ। और उसी कारण से वो लोग विश्वास करके मेरे पर हाईकमांड पर उन्होंने रहना स्वीकार किया। उनको विश्वास हाईकमांड पर भी है, मुझ पर भी है, उसको हम बनाए रखेंगे किसी कीमत पर, ये निश्चिंत रहो। और जो लोग आए हैं अब वो किन परिस्थितियों में गए हैं, क्यों गए हैं, क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराज़गी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। सर जिन जो आदमी सत्ता में होता है, असेंबली के अंदर भी सत्ता पक्ष जो होता है उसकी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है विपक्ष को साथ लेकर चलने की। उसी प्रकार से आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुझसे कोई अगर मेरी पार्टी के विधायक नाराज है, तो जिम्मेवारी बड़ी मेरी होती है कि मैं कैसे उनको वापस संतुष्ट करूं, उनका दिल जीतूं, ये मेरी जिम्मेवारी है। वो मैं पहले निभाता आया हूं जिंदगी भर, अभी निभाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर उनके सर ये तो 32 दिन पहले भी हो सकता था, बताएगी कि राज किसका होता है। ये तो 32 दिन पहले भी बातचीत हो सकती थी, इतना सर हुआ है, अच्छा थोड़ी हुआ है। अब ये तो जो भागीदार थे कभी मिले तो आप उनसे बात कीजिए। सर वापस भी निकम्मे सारे विधायक, आप मानते हैं निकम्मे, आज भी वो आपने कहा था निकम्मा है, आपने वो शब्द इस्तेमाल किया था, अब वापस आएंगे तो काम कैसे करेंगे साथ में? और इसके अलावा बीजेपी को जो मुंह की खानी पड़ी है, मेरे ख्याल से देश के अंदर राजस्थान की जनता ने एकजुटता दिखाई, प्रदेशवासियों ने, ये असली जीत प्रदेशवासियों की है। मैंने जो पत्र लिखा था मीडिया ने उसको ढंग से जगह नहीं दी है, और भास्कर ने जो मेरी फ़ोटो दी है ऐतिहासिक फ़ोटो है वो, कि मैं बहुत भावुक हो गया हूँ और पता नहीं क्या क्या उसने लिखा है, तो ये मीडिया का एक करेक्टर भी सामने आता है। ऐसे इतना मैंने प्यार से पत्र लिखा, 200 विधायकों को लिखा, और मैंने क्या कहा उसमें, अपनी आत्मा से, अपने परिवार से, अपने मतदाताओं से पूछो फिर फैसला करो। और उसके बाद में भी मीडिया ने उस पत्र को जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई, नंबर एक। नंबर दो, इनकी जो धज्जा उड़ी है इन बीजेपी नेताओं की, कि कहाँ तो वो तीन तीन प्लेन हायर किए गए एयरक्राफ्ट को भेजने के लिए गुजरात में, एक प्लेन जा पाया इनका। दूसरा, आज उनको बाड़ेबंदी करनी थी,
बुला लिया गया सबको, अचानक मीटिंग कैंसिल कर दी गई। तो आप सोच सकते हो कि इनकी जो स्थिति बनी है और जो हमारे साथियों ने इनकी दुर्गति करी है, ये भी याद रखेंगे कि किस रूप में ये षड्यंत्र करते हैं, तो षड्यंत्र कामयाब नहीं होने वाले हैं। और राजस्थान की जनता ने दिखा दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया है, हमारे विधायकों ने दिखा दिया है कि बीजेपी का जो अहम है, घमंड है, अहंकार है, देश के अंदर हर राज्य के अंदर कांग्रेस जनों के अंदर उत्साह का संचार हुआ है और सब मिलकर के इनका मुकाबला कर सकते हैं। डेमोक्रेसी को बचाने का संकट सबसे बड़ा है, उसमें भागीदार बन सकते हैं। और हम सबका कर्तव्य, आप लोगों का भी है, हर प्रदेशवासी का, हर देशवासी का है, अभी संकट डेमोक्रेसी को बचाने का है। सर तो क्या कह सकते हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग, आप देख लो जयपुर में क्या क्या हो रहा है, चुन चुन करके और बेशर्मई से कांग्रेस वाले जब राज करते थे, हर चीज़ देखते थे, जनता क्या सोचेगी, जनता क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये हमारी भावना होती थी। उसके अकॉर्डिंग टू फैसले होते थे, मुख्यमंत्री की इस्तीफे, रेल मंत्री की इस्तीफे, लॉ मिनिस्टर की इस्तीफे। अब इतनी बेशर्म सरकार आई है, लोग क्या कहेंगे चिंता ही नहीं है। जब आप धर्म के नाम पर राजनीति करोगे तो फिर ये जो आपकी भावना है कि परवाही मत करो, लोग क्या कहेंगे, धर्म के नाम के डिवाइड करो, चुनाव जीत क्या हो। 31% पे आए पहले, अब आए 39% पे आए, बाकी लोग रहते नहीं है देश के अंदर, 70% लोग क्या सोचते हैं। तो ये भूलना नहीं चाहिए सरकार को, जिस प्रकार का माहौल बनाया गया वो सब आपके सामने, कहानी आपके सामने है। सर आपके विधायक राजी है इस फार्मूले से, उनसे बातचीत हो गई पहले या अब होगी आज? बातचीत होती रहती है, राजनीति में आप जानते हैं कि समय समय पर हम लोग बात करते हैं, आपस में मेल मिलाप होता है, उसी चिंता नहीं करें। पार्टी एकजुट रहेगी, पार्टी 5 साल तक शासन करेगी, अगला चुनाव जीत के आएंगे हम लोग। पब्लिक ने तय कर लिया है, ये जो बीजेपी ने षड्यंत्र किया है, इसका सबक सिखाने का मौका अब आम जनता के सामने आएगा अगले चुनाव 2023 का चुनाव आएगा। और 5 साल तक सरकार चलेगी, सरकार बहुमत में पहले थी, आज भी है, कल भी रहेगी। इनके मंसूबे पानी फिर गया। जिन्होंने भी इस्तीफा दिया है विधायकों ने, सर को वापस